मंदिर खुलने की शुभ घड़ी आई है। भविष्यवाणी के सत्य होने का समय आया है। जगतगुरु की कही बातें पुनः होंगी सत्य। सुल्तानपुर में दिखेगा बड़ा परिवर्तन। एक है सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। रामचरितमानस में संतों की महिमा को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। जी हाँ, जिसका मतलब साफ है कि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, क्योंकि ईश्वरी शक्ति का प्रतीक जो होते हैं। और जो कि देखिए, भारत यानी कि हमारा देश साधु संतों की तपस्थली रहा है, और इस कारण यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिनके मार्गदर्शन में ही भारत की तस्वीर बदलते विश्व ने देखी है। साधु संतों की लिस्ट में देखिए, इन दिनों जिस नाम की चर्चा जोरों पर है वो है जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिनसे भेंट करने हाल फिलहाल में स्वयं पीएम मोदी चित्रकूट पहुंचे हुए थे। और यहां आकर पीएम मोदी ने तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखी गई उनकी पांडीय अष्टाध्यायी किताब का विमोचन किया था। और इसी कार्यक्रम से जगतगुरु ने पीएम मोदी के पुनः सत्ता में आने के संकेत भी दे दिए थे। और जो कि देखिए, जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की अब तक की किसी भी भविष्यवाणी को झुठलाया बिल्कुल नहीं जा सका, और इसलिए जब कभी वो कुछ बोलते हैं कहते हैं तो ये समाज उन्हें गौर से सुनता है। 22 भाषाओं का ज्ञान, 80 से ज्यादा ग्रंथों की रचना, विकलांग विश्वविद्यालय का संचालन करना और अपनी दिव्य दृष्टि के बल पर भविष्यवाणियां करना, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रामभद्राचार्य महाराज को अन्य संतों की तुलना में सबसे अलग बनाती है। और एक बार फिर पुनः सनातन की ढाल बन चुके जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसके सत्य होने का इंतजार राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ा है। जी हाँ, राम मंदिर के कपाट खुलते ही पीएम मोदी की मौजूदगी में यूपी के सुल्तानपुर जिले से जुड़ी स्वामी रामभद्राचार्य की कौन सी भविष्यवाणी सत्य होगी, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। इतिहास कहता है कि भारत में नाम बदलने की जो परंपरा है वो 700 साल पुरानी है। जैसे जैसे देखिए, मुगल शासक किसी इलाके पर विजय हासिल करते गए, वहां के शहर गांव के नाम उनके अनुसार हो जाते थे। आज भी देखिए, देश में मौजूद 704 जगहों का पता मुगलों के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही सत्ता में मोदी सरकार आई, कई शहरों के सड़कें और जगहों के नाम बदले गए। जैसे औरंगजेब रोड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड बन गई है, मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान हो गया है, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, और इसी कड़ी में अब सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रखा जाएगा। जी हाँ, और ऐसी भविष्यवाणी करने वाले जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ही हैं। उन्होंने बीते दिनों सुल्तानपुर पहुंचे वो, और वहां उन्होंने सुल्तानपुरी का नामकरण होने की भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने ये कहा, सनातन धर्म को गाली देने वालों को श्राप देता हूँ, इन सब की सत्ता जाएगी, सुल्तानपुर का नाम जल्द ही कुश भवनपुर होगा। औरंगजेब ने यहाँ भी मंदिर को भी खंडित करने का प्रयास किया, मूर्ति को नष्ट करने के लिए खुदाई करवाना शुरू किया, लेकिन हजारों फीट खोदने के बावजूद हनुमान जी की मूर्ति की दहा न पा सका। अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा समूचे विश्व में गौरव के साथ लहरा रही है। गाधीपुर वो स्थान है जहाँ माया भी असफल हो गई और कालनेमी को यहाँ की मकड़ी ने पहचान लिया। जब तक रामानुजाचार्य की परंपरा का एक भी संत इस देश में है, सनातन पर आज नहीं आने पाएगी। अगले साल 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रामकथा को बिजुथा में करने का समय देता हूं, और इस कथा में नरेंद्र मोदी को भी लाऊंगा। तो देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य के इस वक्तव्य पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये पाएंगे कि सुल्तानपुर को कुश भवनपुर अगले साल यानी कि 22 अक्टूबर तक किए जाने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले देखे, राम मंदिर का दरबार भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, और ऊपर से जगतगुरु का ये कहना कि राम कथा में वो पीएम मोदी को भी बुलाएंगे, जिससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि सुल्तानपुर का नामकरण होना अब तय है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, देश के चुनावी माहौल को देखते हुए आपको ये भी बता दूं कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य भी वोट डालने पहुंचे थे, और मतदान के बाद ही उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा। अब देखा जाए तो देखिए, जगतगुरु की अधिकांश जो भविष्यवाणियों को देखते हुए विपक्ष उन पर बीजेपी का एजेंट का आरोप लगाता है, और जिस पर कई बार स्वामी रामभद्राचार्य बोल चुके हैं कि वो बीजेपी के एजेंट बिल्कुल नहीं है, वो धर्माचार्य हैं, और धर्म के विरुद्ध कोई भी बयान होगा या कुछ कहेगा तो वो उसके खिलाफ जरूर बोलेंगे।
बहरहाल पीएम मोदी को लेकर जगतगुरु के जिस भविष्यवाणी से विपक्ष का चेहरा आज भी उतर रहा है वो हम आपको जरूर सुनाते हैं, और इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं, भगवान श्री राम बस आने ही वाले। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं, भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी।